हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग सभी को मेरा यूट्यूब चैनल पे। आज मैं अगेन एक न्यू रेसिपी के साथ में आई हूँ। आज ना मैं आप लोगों को बीच में जो हम लोग डेली डेली घर में यूज करते हैं ना आलू, तो ये खा खा के अगर बोर हो रहे हो तो आप इस तरह के आप रेसिपी तैयार करोगे ना तो कभी बोर नहीं होंगे। तो चलिए इस उबले हुए आलू से हम रेसिपी स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 6 उबले हुए आलू को हमने पील आउट करके ले लिया है, और आप चाहे मैश के हेल्प से इसे मैश करें या हाथों के हेल्प से मैश करें या ऐसे फोक से भी आप इसे मैश कर सकते हो। तो इस तरह से हम सारे आलू को इस तरह से फोक से मैश करेंगे, ना ये ज़्यादा बहुत फाइन हो ना ज़्यादा ये बहुत मोटा, हल्की हल्की गुठलियाँ छोड़ते हुए इस तरह से हम आलू को मैश कर लेंगे। तो आज हम स्पेशल मसालों के साथ में इस आलू का रेसिपी बनाएंगे। तो इसके लिए हमने 4 बड़े साइज पके हुए टोमेटो का प्यूरी तैयार कर लिया है। अब इसके अंदर में पाउडर मसाला को मिलाएंगे, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1.5 टीस्पून चिल्ली पाउडर। ये चिल्ली पाउडर ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, सिर्फ कलर के लिए है। अब इसके अंदर जाएगा हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, स्वाद के हिसाब से नमक कम या ज़्यादा। तो सारा में मसाला को हमें मिक्स कर लेना है। तो सारा मसाला को हमने अच्छे से मिक्सअप कर दिया है। अब इसको एक साइड में रख देंगे और हम गैस जलाएंगे। गैस के ऊपर में हम कढ़ाई को बिठाते हुए इसमें 2 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल ऐड करना है और अच्छे से हीट कर लेना है। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर में हमने लिया है 1/2 टीस्पून साबुत जीरा, 1/2 टीस्पून काला सरसों और 2 से 3 खड़ी सूखी हुई मिर्ची को ऑयल के अंदर में मिलाते हुए इसको हल्का चटकने तक वेट करेंगे। जैसे हमारा जीरा और सारा फौरन चटकने लगे और उसी टाइम हम जो स्लाइस चॉप किया हुआ बड़ा 1 पीस हमने ओनियन को लेना है और इसके अंदर में मिलाते हुए सुनहरा गोल्डन होने तक कंटिन्यू फ्राई करते रहना है। ओनियन हमारा सुनहरा गोल्डन होने लगा है। अब इसके अंदर में हमने 2 से 3 चुटकी हींग को मिला देना है। अब साथ ही साथ हम इसके अंदर मिला देंगे 10-15 कड़ी पत्ता और इसमें मिलाएंगे बारीक चॉप किया हुआ 6 से 7 पीसेस लहसुन का लिया और 1 इंच अदरक का पीसेस जिसको भी हमने बारीकी से चॉप किया है। सारा चीज़ों को दोबारा से भून लेंगे। अदरक लहसुन मिलाने के बाद में दोबारा से हम 1 से 2 मिनट भूनते रहेंगे कंटिन्यू। और फ्रेंड्स, आप लोग से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जो भी मेरे वीडियो में आते हो ना प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप करे हुए ही देखें और वीडियो को फुल वॉच जरूर करें। मेरा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रहता, इसीलिए रिक्वेस्ट है आप लोग से। तो हमारा जो प्याज और अदरक लहसुन अच्छे से रोस्ट हो चुका है, अब इसके अंदर में मिलाएंगे हमारा जो तैयार किया हुआ स्पेशल मसाला जिसको हमने मिला के रखा हुआ था, इसको हम मिला देंगे और अच्छे से दोबारा से कंटिन्यू भूनते रहेंगे। हमें 3 से 4 मिनट कंटिन्यू इस मसाला को भूनना है। चाहे तो आप इसको ढक के भी पका सकते हो ताकि हमारा जो मसाला है फटाफट तैयार हो जाए, लेकिन हम इस मसाले को ना खुले में ही पकाएंगे कंटिन्यू चलाते हुए। सारा मसाला हमारा अच्छे से कुक हो चुका है, ये देख रहे हो मसाला और ऑयल सेपरेट हो चुका है, कलर भी बहुत अच्छा आया है इस मसाले के अंदर में। अब इसके अंदर में हम मिलाएंगे हमने मैश करके रखा हुआ बॉयल पोटैटो को। सारा पोटैटो को मिला देना है मसाला के अंदर। अब दोबारा से हम मसाला और पोटैटो को अच्छे से मिक्सअप करेंगे और कंटिन्यू फिर से बॉयल पोटैटो को भूनना है। तो लगातार हम 3 से 4 मिनट कंटिन्यू ऐसे ही खुले में भूनते रहेंगे ताकि जो हमारा बॉयल पोटैटो है मसाला में अच्छे से भून जाए, मिक्स भी हो जाए, इसलिए कंटिन्यू हम भूनते रहेंगे। हम
हमारा बॉयल पोटैटो अच्छे से भुन चुका है, ये देख रहे हो अच्छे से ड्राई हो चुका है। इसके अंदर में जो भी नमी थी, मॉइस्चर था, सब खत्म हो चुका है। तो सारा मसाला बिल्कुल अच्छे से भुन चुका है, साथ ही साथ बॉयल पोटैटो भी इसके अंदर में अच्छे से मिक्सअप होते हुए भुन के ड्राई हो चुका है, बिल्कुल रेडी है। अब इसके अंदर में हम अपना क्वांटिटी के हिसाब से कम ज़्यादा पानी ऐड करेंगे ताकि हम दाल बना के रेडी करेंगे। आपको पतली वाली या गाढ़ी वाली किस टाइप की दाल चाहिए वो हिसाब से आप इसके अंदर में गर्म पानी का इस्तेमाल करें। हमने बड़ा एक गिलास पानी इसमें ऐड कर दिया है, आप चाहे तो इससे थोड़ा ज़्यादा या कम भी कर सकते हो, आप अपना हिसाब से थिकनेस रख सकते हो। अब सारा चीज़ों को मिलाते हुए चलाए और इसको एक या दो उबाल आने तक हम वेट करेंगे, गैस का फ्लेम को हम हाई कर देंगे। तो हमारा दाल के अंदर में उबाल आना चालू हो गया है, आलू का दाल के अंदर में। तो इसके ऊपर में हम ऐड करेंगे ग्रीन चिल्ली, हरी ग्रीन चिल्ली, क्वांटिटी कम ज़्यादा करें, स्पाइसी कम ज़्यादा। और हमने सबसे ऊपर में भुना हुआ जीरा पाउडर भी 1 टीस्पून ऐड कर दिया है। अब इसके ऊपर में सबसे ऊपर में हम 1 टीस्पून कस्तूरी मेथी को क्रश करके डाल देंगे और इसके साथ आप धनिया पत्ता का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो धनिया पत्ता का जगह में हमने कस्तूरी मेथी का इस्तेमाल किया है। तो अच्छे से सारा चीज़ों को मिला दें। सब कुछ मिलाने के बाद में अब कंटिन्यू हम इसको चलाते हुए कुक करेंगे, कम से कम 3 से 4 मिनट कंटिन्यू, ताकि हमारा ग्रेवी में थोड़ा सा दाल में थिकनेस आ जाए और जो हमने पानी वगैरह मिलाया था ना, ये भी अच्छे से मसाला में मिल जाए। चाहे तो आप इसको ढक के भी कुक कर सकते हो, टाइमिंग का हिसाब से 4 से 5 मिनट, पर ऑलरेडी सारा चीज़ तो हमारा पहले से ही कुक है, सिर्फ पानी के अंदर बॉयल आने के लिए हम 4 से 5 मिनट इसको कुक करेंगे। तो दाल में थिकनेस आ चुकी है हमारा और हमने गैस का फ्लेम को ऑफ कर दिया है। हमारा आलू वाली दाल बनके बिल्कुल रेडी है, इसका कलर या लुक सब देख सकते हो, यह बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप आलू खा के बोर हो जाते हो ना, तो इस तरह का आलू की दाल ट्राई जरूर करें, बहुत अच्छा लगता है। अक्सर आलू के सीजन में मेरे मम्मा बहुत बनाती है इस तरह के डिशेस, तो मैंने अपना मम्मा को फॉलो करते हुए इस रेसिपी को तैयार किया है। तो होप कि आपको ये दाल की रेसिपी पसंद आया हो। अगर मेरी रेसिपीज थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर जरूर करें मेरा वीडियोज़ को। अगर मेरे चैनल पे पहले बार आए हो तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही अच्छे अच्छे रेसिपीज पाने के लिए बेल को, घंटा को प्रेस जरूर करें। ऑल में जाके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी गाइस।